सबसे पहले साइन डिजिटल ब्रॉडकास्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिंधीप्लेक्स ऐप की तरफ से मैं विकी रजानी आप सभी मीडिया वालों का यहाँ बेहद दिल से स्वागत करता हूँ। ऐप सिंधीप्लेक्स का जो आइडिया है ये काफ़ी समय से चल रहा था, बिकॉज समाज सिंधी समाज के लिए जो लड़ाइयाँ चल रही है कि हमें खुद का टेलीविज़न चाहिए टेलीविज़न चाहिए, टेलीविज़न आ नहीं रहा है, सरकार की कुछ नीतियाँ हैं, कुछ चीज़ें होती है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस चलते दौरान में जब डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए सिंधी भाइयों के लिए, सिंधी टैलेंट के लिए, जो पोटेंशियल है और जहाँ दिखा सकते कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमें काबिलियत है उसमें। तो एक दिन भाई साहब गोविंद जी से बातचीत चल रही थी मेरी कि दो साल से इन चीज़ों से बात काम चल रहा है, कर रहे हैं, हम एक ऐप बनाने का सोचा है और उसे सिंधी में बनाना है हमें। तो बिना सोचे एक मिनट का भी डिले नहीं लगाते हुए भाई साहब ने बोला भाई कर लेते हैं और इसको बना लो। तो पिछले 4 महीने पहले हम मिले थे इस चीज़ को लेकर और ऐप तो पिछले 2 साल से चल रहा है, तैयारी चल रही थी कि बनाएंगे करना है। 4 महीने के अंदर जिस तरह पूरी टीम ने साथ दिया है, पूरा काम किया है और भाई साहब का सपोर्ट था, तो आज वो वक्त आ गया है जहां हम अनाउंस कर रहे हैं हमारे इस ऐप का लॉन्च का। और रही कंटेंट की बात, इसमें प्योर सिंधी कंटेंट होगा, उस सिंधी ऐसी भाषा होगा जो एक छोटा बच्चा भी सिंधी समझ पाएगा, सिंधी क्या बोली जा रही है समझ में आएगी। और हर कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं, मतलब उसे डब नहीं किया जा रहा है, सब ओरिजिनल सिंधी कंटेंट है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो क्राइम का हो, या चाहे म्यूजिकल हो। और साथ ही साथ हमें हमारे संतों की, समाज संतों की का भी आशीर्वाद मिला है जिनके प्रवचन जो है इस ऐप पे आएंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी है, कुकिंग है, योगा है, लाइफस्टाइल है, आप एक फुल पैक एंटरटेनमेंट वाला जिस तरह का जीसी चैनल देखते होंगे तो उसी तरह जो है सिंधीप्लेक्स अब हर हाथ में सिंधी टीवी के साथ हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि सर ने बताया अब हर हाथ में, ताकि मैं कुछ करूं, पंजाबी चैनल करूं, बट मेरा इस फील्ड में कुछ भी नॉलेज नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं पाजी से मिला और पाजी ने मुझे कहा कि इनके पास कंटेंट है, इन्होंने ये सब परसू करना है। तो मैंने कहा चलो मेरा तो पता नहीं हम क्या करेंगे, क्या होगा आगे, मैं इनको सपोर्ट कर पाऊँ तो शायद मैं भी कुछ कर पाऊँ आगे। सो मैंने इनका साथ देने के लिए डिसाइड किया, अब हमने शुरुआत की है और होपफुली अभी हम सारे ही सिंधी भाई बहनों के लिए जो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सब के लिए लेके आएंगे, ऑल द वे फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग, लाइफस्टाइल, ड्रामा, क्राइम शोज, एवरीथिंग, इस सब इनको पेश करने के बाद हम डेफिनेटली पंजाबी प्लेक्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वेरी सून हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम पंजाबी प्लेक्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इसकी वजह से हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम सिंधी प्लेक्स शुरुआत करते हैं एंड देन लेटर ऑन वी विल गो ऑन टू द अदर प्लान्स। जी जाहिर सी बात है कि सिंधी प्लेक्स सिंधी ऐप हम ले आ रहे हैं, इसमें सारा कंटेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंधी में ही होगा, सिर्फ सिंधियों के लिए नहीं, वो हर एक व्यक्ति के लिए होगा जो सिंधी समझ सकता हो, सिंधी बोल सकता हो, जो सिंधी समझ जाए। अब अगर हम चैनल देखते हैं बहुत सारे, साउथ इंडियन मूवीज़ भी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अगर हमें गुजराती नहीं समझ में आती है समझ लेते तो भी हम गुजराती चैनल देख लेते हैं, इंग्लिश गाने नहीं समझ में आए तो भी सुन लेते हैं, कर लेते हैं, हैबिट आ जाती है। इसी तरह इस ऐप पे जो है सारे कंटेंट सिंधी में ही होंगे, ना कि हिंदी कंटेंट को डब किया जाएगा, सारा का सारा ओरिजिनल सिंधी कंटेंट है हर जॉनर का। सिंधी समाज का सहयोग जैसा जैसा बढ़ता जाएगा हमारे साथ, उस तरह कंटेंट की तादाद बढ़ती जाएगी। हमारे तो काफ़ी अच्छे विचार है और अच्छे से शोज़ ले आने के हम सोच रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम सिंधी फिल्म्स भी लाएंगे, सिंधी रियलिटी शोज़ लाएंगे डेली शो बहुत जल्द,
और आप सबके साथ होगा तो हमारा विकास भी होगा। सिंधी समाज के लिए ये एक बड़ा कदम है और सिंधी समाज के साथ चलकर हम इस ऐप में हर एक कंटेंट को इस तरह लाएंगे कि जो हर एक व्यक्ति के लिए हो, हर एक उम्र वालों के लिए हो, बच्चा हो या यंगस्टर हो या हमारे बुज़ुर्ग हो, उन सब के लिए कंटेंट और सबको ध्यान में रख के ही कंटेंट बनाया जा रहा है। और हमारी सेवा करने की भावना भी जो है वो यही है कि सिंधी समाज में कंटेंट बनाकर सिंधी समाज को आगे बढ़ाया जाए, यही दिखाया जाए कि वी आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्रमोटिंग एंड डूइंग थिंग्स। अभी हम लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, अभी हम सपोर्ट चाहते हैं जो हमारी जनता, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सिंधी ऑडियंस ही नहीं और भी कल्चरल लैंग्वेज वाले लोग सुनते हैं कंटेंट। जैसे अभी हम लोग साउथ इंडियन मूवीज़ के बहुत फ़ैन होते जा रहे हैं, वैसे ही जो भी अच्छा कंटेंट पेश करता है सभी लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं और मुझे लगता है हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेके आने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे डेली शो हो गया, लाइक पाजी ने जैसे कहा कि रियल लाइफ रियलिटी शोज एंड मैनी मोर थिंग्स। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है, हमें बहुत कुछ कर रहे हैं। जी ज़रूर होगा। आज तो सॉफ्ट लॉन्च, आज हमारा ऐप पूरी तरह तैयार है लॉन्च होने के लिए, बट गवर्नमेंट रेगुलरिटीज है कुछ जिसके कारण ये गूगल प्ले स्टोर पे आने के लिए फॉर्मेलिटीज़ है। आज जैसे ही हम इस लॉन्च को पब्लिश करेंगे तो वो मद्देनज़र रखते हुए जो फॉर्मेलिटीज़ के पीरियड है वो पूरे करते हुए ये ऐप आते दिन कुछ ही दिनों में ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा। अब शुरुआत में हम एंड्रॉयड के साथ आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में iOS पे भी आ जाएंगे। थैंक यू। कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहेंगे कि ये सब सिंधी भाई बहनों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं लोग हमारे साथ जुड़े जिनमें जितना पोटेंशियल है। प्लेटफॉर्म अब हमारे पास आ चुका है, ये प्लेटफॉर्म पे हम आपके टैलेंट को दर्शाएंगे। सभी सिंधी भाई बहनों से, आप कोई भी कोने में हो हिंदुस्तान के, आप हमसे जुड़ सकते हैं, मिलकर काम करेंगे। सिंधी आयो, सिंधी सड़ायो एंड सिंधियत के वडायो। जय झूलेलाल। सर, सबसे पहले तो मैं, वैसे तो मुझे ये बोलना सिंधी में चाहिए पर अभी मीडिया के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबको जय झूलेलाल, सचो सतराम। बहुत सालों से जो हमारे सिंधी समाज में, जो हमारी सिंधी तहजीब, सिंधी कल्चर, हमारा सिंधी जो सिंधियत जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कल्चर सब आ गया, वो आस्ता आस्ता गुम होती जा रही है। अभी की यंग जनरेशन जो आ रही है वो न पढ़ रही है सिंधी, न बोल रही है, न लिख रही है और न ही सोशल मीडिया में सिंधी में जा रहा है। तो बहुत सालों के बाद जो हमारे दिल में एक भूख थी कि हमें कुछ सिंधी टीवी चाहिए, जिसके लिए हमने बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है शाहजहां की तरफ से, जेठमलानी साहब ने डाला था। बहुत सालों के इंतज़ार के बाद एक नौजवान ऐसा पैदा हुआ जो कद काट हर चीज़ से परफेक्ट है, ये मेरे भाई विक्की जी और हमारे गुरविंदर सिंह। इन्होंने जो एक सपना सिंधियत के बारे में सोचा है कि हमें ऐसा OTT प्लेटफॉर्म लाएं कि जो सिंधी टीवी की भूख जो है हमारे वो ख़त्म कर सके और इसके माध्यम से हमारी सिंधियत जो है छोटे बच्चों तक कैसे जाए। अभी जैसे कल 21 तारीख को हमारे सिंधी समाज के सबसे बड़े शहीद हेमू कालानी का शहादत का दिन है, सिंधी जिसने देश के लिए कुर्बानी दी, 18 साल की उम्र में उनको फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसे शहीदों के बारे में अमर शहीद भगत कंवर राम साहब हैं जिन्होंने गोली खा ली अपने को धर्म बचाने के लिए। इन संतों, महात्माओं, शहीदों, हमारा कल्चर यंग जनरेशन तक आए, तो ये माध्यम से हमें बड़ी खुशी है कि हम अपनी यंग जनरेशन तक ये सब अपना जो सिंधियत है, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से शुरू हुई, हमारी जो है सिंधु दरिया से, नदी से शुरू हुई, वो तहजीब को
यंग जनरेशन तक लाने के लिए कि हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे रहते थे, मैं इन दोनों का हम सब की तरफ से सब बोलेंगे, पर मैं सब की तरफ से पूरे सिंधी समाज की तरफ से इन दो को अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि सबको हमारे पूरे सिंधी समाज को एक अपील करता हूँ, आप खुद भी देखो, इसको सब्सक्राइब करो, लोगों को दिखाओ और फाइनेंशियली भी मदद करो। ऐसे नौजवान बहुत कम पैदा होते हैं जो जेब से खर्चा करके, मालूम है इसमें कुछ कमाई नहीं है, लेकिन एक सिंधु की सेवा है। आखिर मैं इतना ही बोलूँगा, अरुज तुझको खुद अरुज तुझको खुदा कुछ ऐसा अता करे कि रश्क तेरी किस्मत पे ज़मीन व आसमां करे, हर दोस्त वो तुझ पे जा निसार, हर रिश्ता तुझसे वफा करे, हर मोर पे हो फरिश्तों के लश्कर तेरे साथ, और हर मोर पे तेरी हिफाजत मेरा झूले लाल करे, मेरा झूले लाल। पहले इनको शुक्रिया अदा करेंगे कि ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म लाए जो हमारी नीड है आज के तारीख में, और हमारे यंगस्टर के लिए, इनकमिंग जनरेशन के लिए भी, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ भी हमारे से मदद चाहिए हमारे सिंधी समाज से, तो हम आपके साथ चलेंगे, सबको साथ लेके आएंगे, एंड वी विल जॉइन टुगेदर। थैंक यू। जय झूलेलाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुरली अडनानी, मोहतर तो सोशल समाज पे हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हैं, इंडिया लेवल पर भी काम करते हैं, काफ़ी सेवाएं हो रही है, सिंधियत का बड़ा काम हो रहा है, और मैं इनको धन्यवाद दूंगा जो आज ये मीडिया लाए हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, एक पेंडेमिक तो अपने हिसाब से बीमारी लाई, मगर वो हिसाब से मैं तो ये कहूंगा कि इसमें जो मीडिया ने काम किया, हम जो दुनिया से कनेक्ट हो गए, वो बड़ी बात हो गई। हमें मालूम पड़ा कौन कौन कहाँ कहाँ काम कर रहा है, नहीं तो हम हमारे क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ के लोग मालूम पड़ते थे कि ये काम चल रहा है। आज पूरे दुनिया में सिंधी समाज कहाँ कहाँ काम कर रही है, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, सबसे वहाँ पर लोकल लेवल पर मिलके जुलके काम करते हैं, और आज अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, और प्रोग्राम भी अच्छे हो रहे हैं, हमारे कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं, सिंधियत का बढ़ावा हो रहा है, यंगस्टर्स तक हम पहुंचा रहे हैं। ये मीडिया जो है वो इतना बड़ा काम कर रही है जो आज सब जगह पर हम पहुंच सकते हैं, बड़े से लेके छोटे तक, तो ये अच्छा एक शुरुआत है। मैं चाहूँगा तो जितनी हम सपोर्ट करें उतना ही अपना काम बढ़ेगा, सब्सक्राइब करें, एडवर्टाइज़ करें, जितना जितना हम इसमें शक्का डालेंगे उतना उतना बड़ा बड़ा काम होगा, और हम पूरे दुनिया तक भी पहुंचना चाहते हैं, पूरे सिंधी समाज तक पहुंचना चाहते हैं, हम दूसरे समाज तक भी पहुंचना चाहते हैं, तो उनको मालूम पड़े कि सिंधी जो है मोहन जो दरो, जहाँ से वेद लिखे गए थे, जहाँ पर हमारा हड़प्पा संस्कार थे, वहाँ से चालू हुए, तो वो मालूम पड़ना चाहिए सिंधी समाज को। मैं आपको बताऊँ, अब कश्मीर फाइल्स बनी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लोगों को मालूम पड़ा कि कितनी परेशानियां थी, मगर मैं तो कहता हूँ कि पेंस ऑफ पार्टीशन आना चाहिए, जो हम लोग ने सहन किया ओवर नाइट, हम लोग को निकलना पड़ा, कुछ भी हमें मौका नहीं दिया गया, कुछ हम आप हमारे साथ ले नहीं जा सके, जो हमारे दिल दिमाग में था वो अपने साथ ले आए, ज़ीरो से आज हम काम करके 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 आगे बढ़ गए, जो लोग रास्ते पर काम करते थे वो लोग भी आज अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बन गई हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। सिंधी समाज आज जितना भी सक्षम हुआ है, तो सेवा का काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपने हमें यहाँ बुलाया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। हम सिंधी समाज के सारे लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर आए, लेकिन एक कठोर तपस्या के बाद पुरुषार्थी बनकर अपने समाज को और अपने देश को आगे ले जाने के लिए हम अग्रसर हैं। चारों वेदों की रचना सिंध में सिंधु नदी पर हुई, उसी को सिंधियत कहते हैं। विक्की जी और योगेंद्र जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं,
इष्ट देवता झूलेलाल जी और हमारी इष्ट देवी हिंगलाज माता आपके ऊपर प्रसन्न है। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मल्टी लेयर्ड मल्टीपर्पज समाज की जितनी भी आवश्यकताएं आज तक पूरी हुई है या आगे होने वाली है, जो बहक है, एक सुगंध है सिंधी समाज की, सिंधियत की, वो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा की हुई चीजें, आज की चीजें और आने वाली चीजें न सिर्फ सिंधी समाज को बल्कि अपने देश के सारे समाजों को, सारे वर्गों को प्रोत्साहन देंगी और मार्गदर्शन देंगी। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा कार्य प्रयास हमारे दोस्तों ने किया है। यह एक छोटा प्रयास नहीं, इससे सिंधी समाज संगठित भी होगा। सिंधी समाज की इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी चीजें जानने लायक है कि सारे विश्व भी इसको स्वीकार करेगा और आगे बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। थैंक यू सो मच। डॉक्टर डॉक्टर भारती छापी आपसे भी जरूर दो शब्द सुनना चाहिए। दो नहीं, दो से ज्यादा। सबसे पहले तो मैं दिल से बधाई देना चाहूंगी विकी राजानी जी को एंड गुरविंदर जी को। आज सिंधी समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। इतने वक्त से, दूरदर्शन के जमाने से हम सिंधी चैनल की डिमांड कर रहे हैं। हर तरीके से गवर्नमेंट के पास जाके हमारे लेजेंड्स, हमारे मिनिस्टर चैनल के लिए डिमांड कर रहे हैं, बट सिंधी समाज को आज तक कंप्लीट सिंधी चैनल नहीं मिला। लेकिन समय आगे बढ़ा है और आज जमाना न्यू टेक्नोलॉजी का है और नए वक्त में सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण है ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमारे सिंधी समाज में, मैं तो कहूंगी कि इन्हें मैं सिंधी रत्न कहूंगी, क्योंकि आज वो जो आगे की जनरेशन को दे रहे हैं, हम ये शिकायत करना बंद करेंगे कि युवा हमारे आगे नहीं आ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज खत्म हो रही है, हमें सिंधी चैनल नहीं है, हमें कोई जरिया नहीं है कि अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को बचा सके और प्रोग्राम्स को दिखा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ पर शुरू हो रहा है सिंधी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारी सिंधी आर्टिस्ट का और सिंधी समाज के जितने भी रतन हैं उनका, जो उन्होंने आज इस मुकाम पर आकर इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। दिल से धन्यवाद आप दोनों को। मैं चाहती हूँ इनके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको। जिस वक्त भी, जब भी आप बुलाएंगे, हम आपके साथ। आप लोग हो ही साथ में। दिल से धन्यवाद। शुभकामनाएं देना चाहूंगी स्पेशली गुरविंदर सिंह जी से, क्योंकि आपने सिंधी समाज के लिए आज हिस्ट्री क्रिएट की है और ये बिल्कुल एक आइकॉनिक मोमेंट है हम सब के लिए। थैंक यू विकी राजानी जी। फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, मुझे बेहद खुशी है क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए सिंधी से मिलकर हमें कोई तो एक मंच ऐसे चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां हम सब सिंधी सुन सकें, सिंधी कार्यक्रम देख सकें और अपने जनरेशन्स के साथ, चाहे अपने मम्मी हो, दादी दादा हो या यू नो, घर में बच्चे हों, सबके साथ एक साथ बैठ के हम कार्यक्रम देख सकें। तो ये जो सपना था हर सिंधी का और हर एक ब्यूटीफुल इंडिविजुअल का, सोल का, वो आप दोनों ने पूरा किया है। मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी। और जो हमारे कार्यक्रम है, मैं उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगी सिर्फ एक मिनट में, कि राइट फ्रॉम डिवोशनल सॉन्ग्स टू कॉमेडी टू कुकिंग, क्योंकि हमारे कुकिंग, हमारी जो सिंधी रेसिपीज़ है वो बड़े फेमस हैं। मैं अभी हॉलीवुड शो करके आई हूँ नवंबर में, भारत महोत्सव को रिप्रेजेंट किया LA में, हॉलीवुड में, और वहाँ पर भी दाल पकवान बड़े फेमस हैं। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, अच्छा आपको पता है दाल पकवान होता क्या है? तो ये बहुत ही अहम बात है। सो कुकिंग शो से लेके कॉमेडी से लेके सारे जॉनर्स के लिए, थ्रिलर जैसे क्राइम पेट्रोल होता है, उसी तरह हमारे सिंधी शो में हमारे खुद के ओरिजिनल कॉन्टेंट है। और ये सबसे खास बात है कि इन्होंने कहा कि इन्हें कोई भी डबिंग शो नहीं चाहिए, सारा ओरिजिनल कॉन्टेंट चाहिए। सो बहुत बहुत स्पेशल बात है ये, एंड हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, गुरविंदर सिंह जी एंड विकी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। द ग्रैंड अनवीलिंग ऑफ सिंधी प्लेक्स। थैंक यू टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।